वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन अगेन इन अलवीर मार्केट। अलग प्रोडक्ट लेके सुरन, जो साउथ इंडिया का काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफी चलता है, सब्जी में बहुत ज्यादा यूज होता है, साउथ इंडियन काफी बाय करते हैं और ये साउथ से होके मुंबई से होके ही आता है जनरली दुबई में। तो हम आज देखेंगे हमारे जो पार्टनर है प्रतीक जी, उनके पास एक कंटेनर आया हुआ है एक्सपोर्टर का, तो उसका थोड़ा सा इकोनॉमिक्स या क्या रेट चल रहा है वो जानेंगे। तो प्रतीक जी नमस्ते, वेलकम। हेलो सर, तो प्लीज बताइए ये कौन सा टाइप का कंटेनर है, कहाँ से आया है? ओके, ये कंटेनर बेसिकली वाशी से लोड हुआ था, एक्सपोर्टर ने हमारे वाशी से माल परचेस किया है और वाशी से लोडिंग हमें यहाँ पे करके भेजा है। ओके, इसमें दो तरह का हम कर सकते हैं, एक तो 40 फीट भी कर सकते हैं या फिर 20 फीट भी। ओके, जैसे एक्सपोर्टर को समझ में आए, उसका कॉस्टिंग जैसे उसको समझ में आए वो उस हिसाब से। तो जैसे जनरली अगर कोई स्टार्ट करता है तो 40 फीट लोग अवॉइड करते हैं, 20 फीट में थोड़ा खर्चा कम लगता है, ये सब पकड़ के लोग 20 फीट प्रेफर करते हैं जो नए लोग रहते हैं, अदरवाइज 40 फीट पूरा ही जो रेगुलर करते हैं। तो ये रिफर कंटेनर की नॉर्मल नॉर्मल कंटेनर में आएगा ये, सिंगल डोर नॉर्मल कंटेनर। ओके, तो ये जनरल पर्पज कंटेनर है 20 फीट 40 फीट, आपको कंटेनर के साइजेस पता है और भी अलग अलग साइजेस होते हैं बट 20 फीट 40 फीट ज्यादा चलते हैं। तो सुरन के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से वो नॉर्मल कंटेनर में आता है। अब ये देखेंगे आप, तो ये 20 फीट जीपी कंटेनर है, जनरल पर्पज कंटेनर है, तो This is, how much, कितना लोड इसमें हुआ है? इसमें तकरीबन 1500 से 1600 बैग्स तक आता है, 1500 से 1600 20 फीट कंटेनर, 40 फीट में डबल आ जाएगा। ओके, और कितने किलो का एक बैग है? ये 9 से 10 किलो का आता है, ग्रॉस वेट 9 से 10 किलो, 9 से 10 किलो ग्रॉस वेट, तो मतलब 15 टन का मटेरियल इस कंटेनर में है सुरन का। तो हम लोग देखेंगे सुरन दिखता कैसे, दिस इज द प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम साउथ इंडिया, ये इसको सब्जी में ज्यादा करके यूज करते हैं। ओके, तो कितना डिमांड रहता है इसका, कैसा चलता है? एक्चुअली रहता है डिमांड, क्योंकि अभी ओनम भी चल रहा है और साउथ इंडियन लोग थोड़ा प्रेफर भी करते हैं। अच्छा, तो काफी सारे कंटेनर्स मार्केट में भी आए हुए हैं, ज्यादा नहीं है बट ओके, इसका डिमांड में रहता है ये। अभी इसका प्राइसिंग चल रहा है 16 से 17 दिरहम तक आज के हिसाब से, जनरली ये रेंज में चलता है। अगर कम हुआ प्राइसिंग तो 12 13 दिरहम तक जाता है, और ज्यादा हुआ तो 21 22 23 तक भी चले जाता है इसका। ये रेंज है, ये रेंज है, ये आज 15-16 का 15 रेट है। तो कितने कंटेनर्स होंगे, क्या वॉल्यूम रहता है मार्केट में? आज जैसे हमने भी अभी एक नंबर पे भी घूम के आए तो मैंने काफी सारे कंटेनर नहीं देखे, एक तो अपना इधर आया हुआ है और उधर दो कंटेनर मुझे दिखे थे। अच्छा, तो 3 से 4 कंटेनर के ऊपर कंटेनर नहीं रहेंगे मार्केट में। ओके, तो जो भी इम्पोर्टर्स होते हैं उनको भी ये अंदाजा होता है कि आज मार्केट में कौन से प्रोडक्ट के कितने कंटेनर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा अगर ऑनियन का कंटेनर है या चिली का कंटेनर है तो बाकी कितने कंटेनर वहाँ पे आए हैं। तो जो सीजन ट्रेडर है, जो टॉप के ट्रेडर्स है, इनको ये सब पता होता है कि आज मार्केट में दुबई के अलवीर मार्केट में ओनियन के कितने कंटेनर्स खड़े हैं, कौन से प्रोडक्ट के कितने हैं, या तो कोई वेसल चल रही है तो उसमें उस वेसल पे कितने लोड हुए हैं, इसका भी अंदाजा वो ट्रेडर्स को लेना चाहिए सो दैट यू कैन प्लान योर सेलिंग प्रॉपरली। अगर आज रेट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो रुकना है क्या, कितने दिन रुकना है, इन दैट केस व्हाट डू यू डू, क्या स्ट्रेटजी रहता है आपका? नहीं, सेलिंग का ओके, सुरन का भी रेट तो ठीक है, मतलब इतना भी कुछ बुरा नहीं है, तो धीरे धीरे इसको सेल करना हम चालू ही करेंगे। ओके ओके, आज अभी इसको एक नंबर हमें ब्लॉक में पार्किंग का स्पेस अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने इधर लगाया था, अदरवाइज ये उधर ही लगता है, एक नंबर में लगा। हाँ, एक नंबर में लगा थे। ओके, अगर इनकेस अगर रेट काफी खराब है और सुरन क्वालिटी है, मतलब अगर फंगस या कुछ व्हाइट उसको पकड़ नहीं रहा है तो हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज वी डोंट प्रेफर एक्चुअली, बिकॉज ये खराब भी होता है ये प्रोडक्ट, ऐसा ज्यादा टिक नहीं जैसा नहीं होता है लाइक कोकोनट और अदर थिंग, तो इसको सेल कर देना ज्यादा एडवाइजेबल होता है, ज्यादा रखने से अच्छा। ओके, तो दैट एडवाइस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंपोर्टर्स, इवन पैकेजिंग का इसमें काफी हमेशा प्रॉब्लम आता है कि ये जो जूट बैग्स होती है कभी ये जो अगर स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगा, पैलेटाइज नहीं होगा, तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये फट जाती है बैग। इसको पैलेट है अभी नहीं? हां, ये है पैलेट, पैलेट है लगाए हुआ है, बट ये पैलेट्स है, अगर आप देख सकते हो तो लकड़ी के यहां पे पैलेट दिख रहे हैं आपको, है ना, तो पैलेट्स है यहां से, सो दैट वो आपको फोकलिफ्ट से इसका लोडिंग अनलोडिंग हो सकता है, बट इतना भी उन्होंने जस्ट एक रखा है, रखा है करेक्ट, तो ठीक से एक्चुअली इसका पायलटिंग ठीक से नहीं किया, उसको पायलट पे ठीक से रख के पैक करके लाना चाहिए सो दैट आपका लोडिंग अनलोडिंग नहीं किया, तो इसको वापस रीपैकिंग इधर करना भी पड़ता है, वो भी एक प्रॉब्लम आता है। अच्छा, रीपैकिंग क्यों? रीपैकिंग अगर ये बैग फट गया तो बायर इसको लेंगे नहीं, नहीं लेगा। अच्छा, तो हमें रीपैक दूसरा बैग में डाल के इसको दूसरा बैग में, उसमें तो जो इंपोर्टर है वो क्या बैग्स भेजता है क्या, मतलब जनरली इसके साथ कुछ बैग्स कोई भी 200 बैग्स कभी भी डाल के ही भेजते हैं, तो ये सारे ट्रेड प्रैक्टिसेस है हाउ योर प्रोडक्ट इज गेटिंग ट्रेडेड। तो ये बेसिकली साउथ में कौन से स्टेट से एरिया से आता है? तमिलनाडु साइड से ही आता है, तमिलनाडु साइड से आता है। तो अगर आपको भी आपके प्रोडक्ट दुबई में सेल करने हैं तो आप फेडरेशन के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप तो हमारे ट्रस्टेड पार्टनर्स है जो ट्रांसपेरेंटली प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपको अच्छा एडवाइस देंगे, आपको प्रोडक्ट होल्ड करना चाहिए, कौन सा कब कंटेनर कब डालना चाहिए, मार्केट आज का क्या चल रहा है, ये सारा इनसाइट होना बहुत जरूरी है। काफी सारे सेल्समैन
की तरह काम करते हैं एक्सपोर्टर्स की, वहां से कोई ऑर्डर मिल जाए फिर मैं प्रोडक्ट भेजूंगा और मुझे डॉलर्स मिलेंगे, दैट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये एडवाइस इम्पोर्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम फेडरेशन के जो एसोसिएट है वो देते हैं। हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं कि ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस हो, जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर भी है उनको वो पता चले कि क्या डिमांड है, कौन से टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्वालिटी प्रेफरेबल है, क्या नहीं भेजना चाहिए और क्या भेजना चाहिए, किसको दाम मिलेंगे, वही प्रोडक्ट यहाँ पे भेजने चाहिए। नहीं तो बाकी दूसरे कुछ प्रोडक्ट आके यहाँ पे कचरा ही होने वाला है क्योंकि उनको रेट नहीं मिलेगा, देन यू विल गेट इनटू लॉसेस। तो ये एडवाइस आपको एक अच्छे इम्पोर्टर से ही मिल सकता है कि भाई आप ये करो, अब ये मत करो, इसमें ये चांसेस है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना लॉसेस हो सकता है, आपका रिस्क एबिलिटी क्या है, ये सारा कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेडरेशन ऑलवेज सजेस्ट आवर पार्टनर ऑल्सो कि ट्रांसपेरेंटली ट्रेड करे और सबको मुनाफा हो या फायदा हो, ऐसे ही हम लोग काम करते। तो थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू सर, थैंक फॉर योर शेयरिंग योर नॉलेज।